थैंक यू ब्यूटिफुल फ्लावर्स, यू आर माई फेवरेट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू द स्क्रीन ब्यूटिफुल नेचर, यू आर माई फेवरेट. थैंक यू लवली ब्यूटिफुल प्लांट्स, यू आर माई फेवरेट. माई आईज आर सो हैप्पी टू सी यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Thank you, beautiful nature. Thank you, water. I'm so happy to see you all. Thank you, thank you, thank you. You are beautiful. Thank you. Thank you for my eyes to see all these beauties. Thank you, thank you, thank you. Thank you, universe. Thank you so much. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुहेली अभी ये क्या कर रही थी? तो मैं कर रही थी ग्रैटिट्यूड वॉक. ग्रैटिट्यूड वॉक इतना ही पावरफुल होता है कि लाइफ में मिरेकल्स की वर्षा होने लगती है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया. आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज के इस वीडियो में चलिए सुनते हैं ग्रैटिट्यूड वॉक किस तरह से किया जाता है. ग्रैटिट्यूड वॉक अब्राहम हिक्स और वेन डायर का बनाया हुआ एक इतना अच्छा सा एक्सरसाइज है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स ही मिरेकल्स से भर सकती है. ग्रैटिट्यूड वॉक से कितने मिरेकल्स होते हैं ये मैंने अपने लाइफ में देखी है. मैंने आज तक जो भी मांगा है यूनिवर्स से, मेरे सारे विशेस फुलफिल हुए हैं. और यही नहीं, कहीं पे दिल के कोने में अगर कोई छोटी सी इच्छा भी रह जाए तो वो भी यूनिवर्स ने पूरा कर दिया है. ग्रैटिट्यूड वॉक जो है बहुत ही पावरफुल है. तो इसमें करना क्या है? इसमें आपको नेचर में जाना है और वहाँ पर धीरे धीरे वॉक करना है और आपके लाइफ में जो कुछ भी है उन चीज़ों के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है. जैसे कि ना आप बोल सकते हैं जो भी है आपके पास, अगर आपके पास 1 रुपी है या 200 रुपीज, 2 लाख और 2 करोड़, जितना भी है, आप उसी को लेकर यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं. थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव 200 रुपीज इन माई पर्स एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प मी. तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि यू आर डूइंग मनी मैनिफेस्टेशन. और उससे क्या होता है, आपको जितना पैसा चाहिए वो यूनिवर्स आपको दे देता है. इसी तरह आप हर चीज के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसके लिए. जैसे कि ना हम लोग हमारे बॉडी पार्ट्स का धन्यवाद करना भूल जाते हैं. ये जब हम सोते हैं रात को और हमारा हार्ट जो है वो काम करते रहता है, इजंट इट? बट क्या हम अपने हार्ट को कभी थैंक यू बोलते हैं? नहीं. तो आप वॉक करते करते अपने बॉडी पार्ट्स को भी थैंक्स बोल सकते हैं. थैंक यू हार्ट, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. अगर ये हार्ट भी जब हम सोए वो सो जाएगा तो क्या होगा, हम रहेंगे ही नहीं, है ना? तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है अपने बॉडी पार्ट्स को भी थैंक यू बताना. थैंक यू लिवर, थैंक यू किडनी, ये हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शनिंग आप सभी को पता है कितना इम्पॉर्टेंट होता है. थैंक यू आईज, थैंक यू नोज, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल स्किन, थैंक यू हेयर, थैंक यू माई गुड हेल्थ, है ना? तो इस तरह से आपके लाइफ में जो भी अच्छा है आप हर चीज़ को थैंक यू बोलिए. थैंक यू फॉर माई हाउस, थैंक यू फॉर द फूड आई ईट, थैंक यू फॉर अ लविंग हस्बैंड, थैंक यू फॉर माई चाइल्ड. हर छोटे चीज को
आप थैंक यू बोलिए जो आपके लाइफ में है। कभी कभी ये कंफ्यूजन भी होता है कि ग्रैटिट्यूड वॉक के समय क्या हम एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर ही थैंक्स दिखाएं या फिर जो हमें मैनिफेस्ट करना है उन चीजों को हम थैंक यू बोले। तो दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। वो जो है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अजम्पशन टेक्निक। सो दैट इज टोटली डिफरेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन टूडेज वीडियो। बाद में शायद कभी उसको लेकर भी मैं वीडियो बनाऊं। ग्रैटिट्यूड वॉक में जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास है, हर चीज जो भी आप वॉक करते रहिए स्लो मोशन में, और उस समय आपके दिमाग में जो भी आए आप उसे ग्रैटिट्यूड देते रहिए। और एक चीज, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे जगह रहते हैं जिसके सामने कोई नेचर पार्क कुछ नहीं है, तो आप अपने घर के लिविंग रूम या कहीं भी आप वॉक कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। और अगर आपके पास छत है तो आप छत पे चले जाइए, आसमान की ओर देखिए, और अगर आपके छत पर टब है, पेड़ है, तो उन सब के साथ भी आप बात कर सकते हैं। और उन पेड़ों में से कोई अगर आपका फेवरेट हो तो आप उसे भी बोल सकते हैं, थैंक यू, यू आर माई फेवरेट। आप जितने दिल से ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, बिलीव मी, आपके लाइफ में उतने ही मिरेकल्स होते रहेंगे। रिसेंटली अभी मैं तो जब शुरू में ग्रैटिट्यूड वॉक का पता मुझे चला तो मुझे लगा क्या सच में होता है। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था when I started the ग्रैटिट्यूड वॉक, बट बिलीव मी कुछ ही दिनों में मुझे उसका रिजल्ट मिलने लगा। एंड रिसेंटली एक प्रोजेक्ट विच आई वॉज मैनिफेस्टिंग, तो उससे पहले मैं जिस पर काम कर रही थी मैं उसी को लेकर यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहती थी जब मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करती थी। और नाउ द प्रोजेक्ट विच आई वॉज मैनिफेस्टिंग इज इन माई हैंड। तो यही होता है, आप एग्जिस्टिंग चीजों को थैंक यू बोलते रहिए, दिल से ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको चाहिए, वो यूनिवर्स आपको देते रहेंगे ऑटोमेटिकली। और अगर आपको कुछ नहीं दिया यूनिवर्स ने, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर थिंग देन दैट। तो इस तरह से, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ग्रैटिट्यूड वॉक आप कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही आपको जाना है या फिर सो एंड सो टाइम में, नहीं, कभी भी, जब भी आपको लगे, क्योंकि ये जो ग्रैटिट्यूड है ये दिल से आना चाहिए। जब भी आपको लगे कि नहीं, दिस इज द टाइम, यू शुड इमीडिएटली गो फॉर ग्रैटिट्यूड वॉक। आप सुबह भी जा सकते हैं, दोपहर को भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, या फिर रात में भी जा सकते हैं, बट जाइए जरूर और प्रैक्टिस करके देखिए कि आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। तो दिस इज वन थिंग। और ग्रैटिट्यूड वॉक के साथ आप ऑलवेज एक और काम कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल का मेंटेन करना, जिसमें आप जिस चीज के लिए भी यू आर ग्रेटफुल आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है, जैसे ही आप देखें, इमीडिएट आप डेली ग्रैटिट्यूड वॉक करना प्रैक्टिस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।